भारत का इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल देखने को मिल जाएंगे। जहां एक ओर भारत का इतिहास शूरवीरों, देशभक्तों के पराक्रम, त्याग और बलिदान पर गर्व करता है, तो वहीं दूसरी ओर चालाकी, कूटनीति और युद्ध की गवाही देता है। हाय, मेरा नाम अदिति है और आज मैं आपको इतिहास के उन पन्नों से रूबरू करवाऊंगी जिन्हें जानने के बाद आपको भी हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर। भारत में प्राचीन काल से ही कई बड़े बड़े बदलाव और मूवमेंट के प्रमाण मिलते हैं, जिसके कारण भारत में कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और समय के साथ ही उनका पतन हो गया। कई सभ्यताओं के साथ साथ भारत में कई धर्मों का भी उदय हुआ। हिंदू धर्म के साथ बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म भी भारत में ही विकसित हुए। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब कई यूरोप कंट्रीज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्हीं में से एक थे ब्रिटिश, जो आए थे भारत में व्यापार करने के लिए थे, लेकिन वे भारत में ही आकर बस गए और भारत देश पर कब्जा कर लिया। भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी पर उत्पन्न हुआ, जिसे आर्य पूजकों में सिंधु नाम दिया गया था। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला की शुरुआत भारत से ही हुई थी, जिसे 700 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था। आज इसे विश्व धरोहर के नाम से ही जाना जाता है, जिसे उपाधि यूनेस्को ने दी है। भारत में 1652 बोलियों और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ भारत की ऐतिहासिक नगरी वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है। अगर बात करें संख्या प्रणाली की, तो संख्या प्रणाली का आविष्कार भी भारत से ही हुआ। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ही जीरो यानी कि शून्य का आविष्कार किया था। विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास ही है, जो 1.9 मिलियन मील के हिस्सों को आपस में जोड़ता है। साल 1986 तक भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश था जिसके पास आधिकारिक तौर पर हीरा पाया जाता था। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित ब्रह्मदेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां भगवान शिव की सवारी नंदी की पूजा की जाती है। यह नंदी की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट की है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का ही है। भारत में सबसे ज्यादा मतदाता है और अगर मतदान में खर्चे की बात करें तो उसमें भी भारत सबसे आगे है। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है। अगर बात करें मुस्लिम आबादी की, तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो दोस्तों, ये थे भारत की कुछ ऐतिहासिक तथ्य है जिन्हें जानकर आपको इतिहास के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलती रहूंगी आपसे कुछ और ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखिए।